तो लास्ट चैप्टर के ना आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग डबल डंजन के ना फंस जाते हो, काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं, और जो भी गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो सभी मारे जाते हैं। और चैप्टर के एंड में सांजिनु को पता चलता है डंजन के कुछ रूल से, तो उसे वो टेस्ट आउट करने के लिए सबसे बड़ी मूर्ति के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, और वहीं पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। तो 16 लेवलिंग के चैप्टर 6 की भी शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है। तो सांजिनु सबसे बड़ी सी मूर्ति के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, और यहाँ पर उसे पता चलता है जब भी वो एक सर्टेन हाइट पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तब वो मूर्ति एक्टिव हो जाती है शूट करने के लिए, और फिर वापस से नीचे झुक जा रहा है तो मूर्ति वापस से नॉर्मल हो जा रही है। और फिर वो ये चीज कंफर्म करने के बाद सभी को जोर से चिल्ला के बोलता है कि सभी गॉड ऑफ स्टैचू के सामने नीचे झुक जाओ। और फिर पीछे से किम ये बात सुनने के बाद बोलता है क्या सांजिनु तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, और किम का दोस्त भी बोलता है इसका क्या मतलब है। और फिर मिस्टर सोंग सांजिनु को बोलते हैं तुमने कुछ फिगर आउट कर लिया है ना, और फिर सांजिनु बोलता है हाँ, और वो मिस्टर सोंग को एक्सप्लेन करता है कि अगर हम एक सर्टेन हाइट से ऊपर ज्यादा उठ रहे हैं तो एक गॉड ऑफ स्टैचू हम पे अटैक कर रहा है, अगर नीचे झुके रह रहे हैं तो नहीं, तो इसका मतलब है पहले रूल के अनुसार हमें इस गॉड ऑफ स्टैचू के सामने सर झुकाना होगा। फिर मिस्टर सोंग बोलते हैं बस ये एक अनुमान ना हो, और फिर सांजिनु सर झुकाते हुए रिप्लाई करता है कि अभी फिलहाल तो नहीं है। और फिर मिस्टर सोंग बोलते हैं वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और फिर इसके बाद सभी के सभी लोग उस बड़े से गॉड ऑफ स्टैचू के सामने सर झुका लेते हैं, और फिर उनमें से एक बोलता है क्या ऐसा करने से हम यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकेंगे, और दूसरी ओर जूही डर के मारे कांप रही होती है। और फिर हम देखते हैं जो गॉड ऑफ स्टैचू होता है वो लेजर बीम शूट करना बंद कर देता है और खतरनाक क्रीपी सी स्माइल देता है, और ये देखते एक बंदे के पसीने ही छूटने लग जाते हैं, वो बोलता है ये क्या फेस है, और सांजिनु और बाकी सब उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के शॉक हो जाते हैं। और फिर उनमें से एक बोलता है आखिर पहले कितने बंदे मर चुके हैं और अभी फिलहाल कितने बंदे जिंदे हैं, और सांजिनु सोच रहा था आखिर वो कितने लंबे टाइम तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। और जो किम का दोस्त होता है वो बोलता है लगता है अटैक्स रुक चुके हैं, और किम बोलता है ऐसा हो नहीं सकता और क्या पता वो हम पे वापस से अटैक करें। और जो किम का दोस्त होता है वो बोलता है क्या हमें बस इतना ही करना था, और फिर वो खड़ा हो जाता है और किम को बोलता है देख मैंने बोला था ना अटैक्स रुक चुके हैं, और दूसरी तरफ किम की फटी पड़ी होती है वो बोलता है भाई मेरी बात सुनो खड़ा मत हो, और फिर किम का दोस्त बोलता है मैं सही कह रहा हूँ ये देख कुछ भी नहीं कर रहा ये, और फिर धीरे धीरे बाकी सभी भी लोग खड़े हो जाते हैं बोलते हैं क्या अटैक सेमी भी रुक चुके हैं, और फिर उनमें से एक बोलता है क्या हम सेमी भी सर्वाइव कर गए, और फिर दूसरा एक्साइटमेंट में बोलता है हमने कर दिखाया। और फिर हम सांजिनु को देखते हैं वो अभी भी गॉड ऑफ स्टैचू को देख रहा होता है और उसकी आंखें फटी पड़ी होती है, वो बोलता है नहीं अभी नहीं, और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो गॉड ऑफ स्टैचू है वहां से वो उठ चुका है। और फिर बाकी सभी भी ये देखे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और फिर किम बोलता है क्या ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और ये मत कहना कि इससे हमें फाइट करना होगा। और फिर मिस्टर सोंग सांजिनु को बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई और ट्रिक्स है क्या, और सांजिनु अभी भी वो स्टैचू को देख के शॉक होता है, वो बोलता है अगर तुम मैं से पूछो तो मुझे भी नहीं पता कि अभी क्या करना है। और फिर मिस्टर सोंग बोलते हैं क्या सेमी भी तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है, और फिर अगले सीन में देखते हैं जैसे वो गॉड ऑफ स्टैचू मूव करते हैं वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है। और फिर इसके बाद सांजिनु सभी को बोलता है डंजन के कुछ रूल्स है, पहला रूल था गॉड की वर्शिप करना, दूसरा रूल है गॉड को प्रेज करना, तो हमें इस गॉड ऑफ स्टैचू की प्रशंसा करनी होगी। और फिर उनमें से एक बंदा आगे आता है बोलता है मुझे ट्राई करने दो मैं पहले चर्च में काम कर चुका हूँ। और फिर हम देखते वो बंदा अपना लॉकेट बाहर निकलता है और गॉड ऑफ स्टैचू के सामने चैंट्स पढ़ने लगता है, मगर ऐसा करने के बाद भी वो स्टैचू बनने की ओर आगे बढ़ रहा होता है, और ये देखे पूरे टीम मेंबर्स की फटी पड़ी होती है। और फिर पीछे से किम बोलता है क्या ये सेमी भी काम कर रहा है, और फिर किम का दोस्त बोलता है मुझे लग तो रहा है क्योंकि ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। और फिर हम देखते उस बंदे को वो अभी भी कंटिन्यू चैंट्स पढ़ रहा होता है, मगर अब वो गॉड ऑफ स्टैचू बनने के बहुत ही क्लोज आ चुका है। और फिर इसी बीच सांजिनु नोटिस करता है कि ये जो बंदा है वो किसी और गॉड की प्रशंसा कर रहा है, और उससे पहले सांजिनु उस बंदे को अलर्ट करे वो गॉड ऑफ स्टैचू बंदे को चपटा कर देता है और उसका नामो निशान तक नहीं बचता है। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, और मैं इसके अगले चैप्टर्स बैक टू बैक अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब बाद में करना, मगर लाइक करना बहुत जरूरी है। और मुझे पता है एनिमे सीरीज थोड़ा आगे तक पहुंच चुकी है, मगर हम उसको जल्दी कवर अप कर लेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे और उससे आगे भी निकल जाएंगे। और आप लोगों को तो पता ही है सीजन 1 खत्म होने वाला है और सीजन 2 बहुत टाइम बाद आएगा, तो अगर आपको जानने के सीजन 2 में क्या होगा तो ऐसी वीडियोस देखते रहिए और लाइक करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।